Hello friends, a very good evening to you all. I am Avinash, a practicing advocate at Patna High Court and Supreme Court of India. Today in this video, I shall not be teaching you anything, but I shall be trying to motivate you to be successful. Or how to be successful, that I just would like to talk to you in a very spirited manner. देखो जनरली क्या होता है कि हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर इंसान सफल होना चाहता है, बट वो बुलबुले की तरह उसकी जो अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है वो जैसे कुकर में आप देखते होगे एकदम मतलब भाप भर गया फिर कुकर एकदम ब्लास्ट कर गया, इस तरह से एकाएक रात में सोचा यार जज बन जाएंगे, एकाएक रात में सोचा बड़े लॉयर बन जाएंगे और एकदम 21 घंटे का 20 घंटे का रूटीन बना लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अमानवीय तरीके का, ये इनह्यूमन है, कोई आदमी लगातार इतना नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता इतना लगातार, लेकिन ये फिर बस एक ही रात में ठंडा भी हो जाएगा, फिर एक दो दिन ऐसे चलेगा फिर ठंडा हो जाएगा, फिर एक महीना वो नॉर्मल रहेगा, फिर एक दिन एक रात में एकाएक ऐसा कुछ होगा और वो एकदम फिर उसको लगने लगेगा यार कि हमको जज बनना है, एकदम जज बन करके पूरे सिस्टम को हिला देंगे, एकदम न्याय दिलाएंगे सबको, बड़ा वकील बन जाएंगे। एक आप किसी भी चीज पे ले सकते हो, आईएएस बन जाएंगे, एक कोई बढ़िया एनजीओ चलाएंगे, सीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मैं जज की के बारे में बोल रहा हूं। तो आप रात में सोचते हैं और कल एक दिन तक पूरा रहता है, एक दिन तक पूरा जोश रहता है, पूरा एफर्ट लगाए फिर छोड़ दिया। हमेशा मैं सारे वीडियोज में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्लासरूम में भी आपने सुना होगा मुझे दैट कि आई ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन योर परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस कम हो चल जाएगा, थोड़ी बहुत आपका दिमाग मतलब कि एकदम शार्प ना हो चल जाएगा, लेकिन अगर आप परसिवरेंस नहीं है आप में, अगर लगातार आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता, नहीं फिर सपने देखना छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए नहीं है सपने। जनरली आप देखते हो कि जो आपसे आगे निकले हैं, यार इतना बढ़िया गाड़ी से चल रहा है, इतना उसका बढ़िया बंगला है, इतना पैसे है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है, बहुत कितनी रात वो जागा है, कितने दिन दिन भर वो मेहनत किया है, भूखे प्यासे बिना सोए थकान उसके बाद भी वो काम करता रहा, तो आप इसको भूल जाते हैं। आप बस उसके सक्सेस को देख रहे होते हैं, आप बस देख रहे होते हैं कि कितना एकदम लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, आप उसके जो उसने बहुत सारी रातें बहुत सारे दिन जो उसने बहुत सारा मेहनत किया है वो आप नहीं देख पाते, और इनफैक्ट सक्सेस मिलने के बाद भी वो कितनी मेहनत कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। देखो सक्सेस मिलना तो मुश्किल ही है, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू करना, उसको मेंटेन कर लेना, ये उससे भी कठिन है। फिर वो कितना मेहनत कर रहा है इस पे आपकी नजर नहीं जाती है, आप बस देखते हैं कि यार वो इतना आगे चला गया, इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, बिजनेस क्लास में, बड़े बड़े होटल्स में रह रहा है, लेकिन यार उसके लिए ये भी तो देखो, दूसरा पहलू भी तो देखो कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितना कुछ त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, सारे पहलुओं पे देखना होगा। और जो भी आपसे आगे है आप मन में बैठा लीजिए कि उसने कभी ना कभी आपसे ज्यादा मेहनत किया है, या तो उसने किया है या तो उसके खानदान में किसी ने किया है जो कि वो इतना अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन अगर वो पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल है, पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लेवल पे, खुद की क्षमता से, अपने माँ बाप और घर परिवार के क्षमता से नहीं, अगर खुद की क्षमता से वो आगे बढ़ा है, तो आप एक चीज ले लो कि वो बहुत परसिवरेंस, बहुत पेशेंस, फोर्टिट्यूड रहा होगा उसमें, डेडिकेशन रहा होगा, डिसिप्लिन रहा होगा, सब कुछ मिलाया होगा उसने, तब जाकर के वो यहां तक पहुंचा है। जनरली लोग ओवरनाइट सक्सेस का सपना देखते हैं, वो देखते हैं कि हम ये बन जाए लेकिन मेहनत ना करना पड़े, बिना मेहनत के बन जाए तो बड़ा सही रहेगा। नो वन इज विलिंग टू वर्क हार्डर,
एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस, बड़ी गाड़ियां हो मेरे पास, बड़े घर हो मेरे पास, खूब सारा पैसा हो, हम फॉरेन टूर पे जाए, बट उसके लिए जो जरूरत है, जो हिम्मत है, जो मेहनत है, जो लगन है, वो हम लोग उसके भी उसमें पीछे हो जाते हैं, उसमें कंजूस बन जाते हैं, सोचते यार ना रहने दो, आराम से सोएंगे रात में, दिन में एकदम नींद ही आ रही है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। भाई मन कैसे लगेगा? मन तो तब लगेगा जब आप लगाना चाहोगे, और पढ़ाई में मन लगने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको उससे से प्यार होना चाहिए। आप जो भी बनना चाहते हैं आप उस चीज से प्यार करो, फिर आप खुद ब खुद मेहनत करने लग जाओगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर आपके बगल में समोसे मिल रहे होंगे, एकदम बगल में, घर के बगल में, और एक घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे समोसा मिल रहा होगा, लेकिन जो 10 किलोमीटर की दूरी वाला है ना, वो बहुत अच्छा समोसा बनाता है, उसका बड़ा नाम है, आप अपने घर के बगल से नहीं लोगे, आप दूरी वाले पे जाओगे, 10 किलोमीटर दूर चल के जाओगे और लेकर के आओगे, ज्यादा पैसा भी दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद है, वो आपको अच्छा लगता है। तो करियर में क्यों नहीं भाई? करियर में आप किसी चीज को इतना पैशनेटली चाहो कि अंदर से चाहत एकदम पैदा हो जाए, यार हमको करना ही है, यही करेंगे हम, और हर हाल में करेंगे, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, देन ट्रस्ट मी नो वन कैन स्टॉप यू। बस आपको अपने डेडिकेशन को कम नहीं होने देना, अपने परसिवरेंस को नीचे नहीं जाने देना, एकदम लगे रहना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, फोर्टिट्यूड रखना है, पेशेंस रखना है। टाइम लगता है, हर बड़े चीज में टाइम लगता है। सबसे आसान काम है भीख मांगना, कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, भी कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम तुरंत कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हाथ फैला देना है। लेकिन जब बड़ा करना चाह रहे हो तो बड़ा काम करने के लिए मेहनत भी बड़ी चाहिए होती है मेरे भाई। खूब मेहनत करो, दम लगा करके मेहनत करो, और देखो सारी चीजें आप मेहनत करने लगोगे, सारी चीजें अपने आप आपको देखेगी, लगेगी कि ये सिस्टमैटिक तरीके से सही होता जा रहा है, और वही सक्सेस का सीक्रेट है, मेहनत, और मेहनत सही डायरेक्शन में मेहनत होना। प्लीज करिए, प्लीज वर्क हार्डर देन हार्डेस्ट, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज, बिलीव इन योर ड्रीम्स, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। पूरा परिवार, पूरा खानदान, गांव, जिला, जवार, सब आपके ऊपर प्राउड फील करें। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ग्रिंडिंग, आपका स्पिरिट नीचे नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी वेरी हाई, लायन हार्टेड, लार्ज हार्टेड, एंड सक्सेस विल टच योर फीट। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मेहनत करना मत छोड़ना, मेहनत से पीछे मत हटना, और एकदम यंग एज में सफल होगे। मेरा पूरा विश्वास है कि बस आप लगे रहो, बस पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगा। शादियां हो रही है, अभी शादियों का लगन का सीजन है, जा रहे हैं डेली शादी में अटेंड करने, कभी रिसेप्शन जा रहे हैं, कभी तिलक में जा रहे हैं। यार छोड़ दो ये सब, कोई रिश्ता नाता नहीं, सिर्फ आप और आपका करियर, और बीच में कोई भी चीज आ रहा है आपके और आपके करियर के बीच में, वो आपका दुश्मन है। एकदम हटा दीजिए, सिर्फ मेहनत पे आ जाइए। अगर आप आज शादी में नहीं जाओगे, कल आपकी शादी होगी, हजारों लाखों लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि आप सफल हो गए, और आज शादी में जा रहे हो ना, कल अगर खुद सफल ना हुए तो तुम्हारी शादी में कोई आने लायक नहीं रहेगा, और तुम किसी को बुलाने लायक भी नहीं रहोगे। तो सब चीज से, कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा, पार्टी हो रही है, होने दो, तुम्हारा भी टाइम आएगा बॉस। अभी जिसको जो करना है करने दो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।